नमस्ते। हर रोज़ सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फेस कैम से स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अच्छे मॉनिटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का उसके अंदर जो बेस्ट मेरे को डील्स लग रहे हैं मॉनिटर्स के, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो सबसे पहले जो मैंने मॉनिटर सिलेक्ट किया है वो LG की तरफ से है। ये पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ये 10 सितंबर को आप देख सकते हो मैंने इसको परचेस किया था। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में मैं सबसे बेस्ट मॉनिटर्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको ये सेल डेज में मिलने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के। तो मैं आपको जो भी मॉनिटर्स बताने वाला हूँ इसके सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ट्राई करना आप भी कि वो लिंक्स है वहाँ से क्लिक करके ही इसको शॉप करना, ताकि चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं पहले मॉनिटर की तरफ, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग के इंट्रो में ही बता दिया था। ये जो है ये मैंने खुद परचेस किया हुआ है। आप ये जो है ये अमेज़ॉन का डील मैं बता रहा हूँ, जो 7899 का आपको मिल रहा है। इसमें कुछ EMI ऑफर्स वगैरह भी है, पर आप इसको फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं। तो मैं दोनों के लिंक्स दे दूंगा। मैंने पहले जब अमेज़ॉन पे देखा था तभी इसका कुछ प्राइस ज़्यादा दिखा रहा था और फ्लिपकार्ट पे कम दिखा रहा था, तो दोनों साइट पे चेक कर लेना। मैं भी लिंक्स, अगर दोनों पे मॉडल सेम मॉडल्स अवेलेबल है तो दोनों के लिंक्स दे दूंगा, जहाँ पे आपको कम प्राइस दिखेगा वहाँ से उसको बाय कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो LG का 22 इंच का ये मॉनिटर है। ये IPS मॉनिटर है। इसके अंदर आप गेमिंग भी अच्छे से कर सकते हो और एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये IPS पैनल है तो कलर एक्यूरेसी वगैरह बहुत सही रहेगा। इसमें क्या क्या पोर्ट्स है वो भी यहाँ पे मेंशनड है। इसमें VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, DVI पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट भी है। आप ईयरफोन इसको लगा के ऑडियो भी सुन सकते हैं। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको पहले LG के मॉडल्स बताता हूँ और फिर आगे दूसरे बेस्ट मॉडल्स जो भी कंपनीज के हैं वो दिखाता हूँ। तो दूसरा भी जो है वो LG का मॉनिटर है। अगर आपका बजट बहुत कम है, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा सब इन्वेस्ट हो गया है PC बिल्डिंग में ही और बाकी सारी चीज़ें लेने में, तो आप ये मॉनिटर की तरफ जा सकते हो। इसका प्राइस देखो 6299 का अभी दिखा रहा है। इसका जो प्राइस है वो सेल डेज नहीं रहता है तब 7000 प्लस रहता है, तो काफ़ी अच्छा डील ये भी मेरे को लग रहा है। आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। ये भी 22 इंच का गेमिंग मॉनिटर है। गेमिंग भी ठीक ठाक कर लेगा और वीडियो एडिटिंग भी ठीक ठाक कर लेगा, सिर्फ इसका व्यूइंग एंगल का इश्यू है। अगर आप थोड़े लेफ्ट या राइट साइड से इसको अगर देखते हो इसके पैनल को, तो थोड़ा आपको कलर अजीब दिखता है, तो वही प्रॉब्लम है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको 75Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा गेमिंग और एडिटिंग ये कर लेगा। एकदम बजट कैटेगरी, एकदम आपका सब पैसा यूज़ हो गया और आपको एकदम बेसिक वाला मॉनिटर लेना है, तो ये आप ये मॉनिटर की तरफ जा सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट जो है वो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही मॉनिटर आप परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और अगर आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए गेमिंग मॉनिटर में, तो आप ये 24 इंच का गेमिंग मॉनिटर देख सकते हो। ये भी LG की तरफ से है। इसमें आपको AMD का FreeSync सिस्टम भी मिलेगा। इसमें 75Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, और इसमें आपको क्या क्या पोर्ट्स मिलने वाले वो भी यहाँ पे मेंशन है। HDMI पोर्ट मिलेगा, VGA पोर्ट मिलेगा, डिस्प्ले पोर्ट मिलने वाला है, और इसका जो प्राइस है वो 8999 का है। ये भी जब सेल नहीं रहता है तो 10,000 या 10,000 प्लस इसका प्राइस रहता है, पर सेल डेज में आपको ये सिर्फ 9,000 में मिल रहा है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसमें नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी है और HDFC कार्ड ऑप्शंस भी है, तो ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये जो पैनल है वो और भी सस्ते में मिल सकता है। ये भी मेरे को एक बेस्ट मॉडल लगा ये प्राइस रेंज में LG की तरफ से। और ये IPS पैनल है, तो IPS पैनल होने की वजह से आप इस पर अच्छा खासा एडिटिंग भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल भी LG की तरफ से है। अभी ये थोड़ा प्रीमियम मॉडल है। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हो और आपको अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ अच्छा गेमिंग करना है, तो आप अल्ट्रा गेयर जो कैटेगरी है LG का उसके अंदर जा सकते हो। आपको डिस्प्ले भी बड़ा चाहिए तो ये कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें 27 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा। ये भी IPS डिस्प्ले है। इसमें भी आपको गेमिंग और एडिटिंग दोनों सही होगा। इसमें आपको G-Sync मिलने वाला है। इसके अंदर आपको HDR भी मिलने वाला है। इसके अंदर जो पोर्ट्स मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI के दो पोर्ट मिलने वाले हैं। फिर और एक चीज़ इसका है, इसका हाइट एडजस्टमेंट, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो हाइट और टिल्ट दोनों मिल रहा है। जैसे मैंने जो परचेस किया हुआ है फर्स्ट वाला मॉडल, उसमें सिर्फ आपको
टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, पर इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, ये पीछे की तरफ देखो ऐसे दिखता है, और इसमें भी आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस में आ रहा है, 20,699 में आपको मिल रहा है, जो कि आपको विदाउट सेल अगर परचेस करना चाहते हो तो ये 22,000 प्लस में मिलता था, अभी ये आपको 20,699 में मिल रहा है। तो ये भी पैनल आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप 27 इंच का IPS पैनल मॉनिटर देखना चाहते हो तो। दूसरा जो पैनल आता है वो भी 27 इंच का पैनल है, पर ये 4K डिस्प्ले के साथ आता है, और इसमें आपको जो पोर्ट्स मिलने वाले हैं वो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, HDMI के 2 पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, फिर ये आपको AMD का FreeSync के साथ आने वाला है, और इसके अंदर आप गेमिंग और एडिटिंग काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, बाकी सारे जो मैंने बताए थे उसमें रिफ्रेश रेट थोड़ा ज़्यादा है। ये वाला जो है मेरा जो परचेस किया हुआ है ये 60 हर्ट्ज भी देता है, और इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो 75 हर्ट्ज तक, पर वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो ये भी अगर 4K डिस्प्ले चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बताया सारे लिंक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट पैनल की तरफ जाते हैं, जी की तरफ से अल्ट्रा ग्रैंड, ये भी 27 इंच का है, ये भी IPS मॉडल है, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो मिलने वाला है। ये जी सिंक कॉम्पेटेबल है, और इसमें जो पोर्ट्स है वो भी आप देख सकते हो क्या क्या पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ये आपको 34999 में मिल रहा है, ये जनरली 35,000 to 40,000 के बीच में विदाउट सेल मिलता था, पर अभी सेल में इसको 34999 में मिल रहा है। वैसे ही अगर आप इस पर डिस्काउंट लगाओगे HDFC वगैरह तो और भी सस्ते में आपको ये पैनल मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा ऑफर इसके ऊपर भी मिल रहा है। इसका भी स्टैंड अगर आप देखोगे तो टिल्ट एंड हाइट एडजस्टमेंट दोनों आपको मिलने वाला है। तो चलिए दूसरे पैनल की तरफ जाते हैं, दूसरा जो पैनल है वो सैमसंग की तरफ से, ये भी पैनल जो है इसके अंदर आपको AMD का FreeSync मिल रहा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये 24 इंच का इसका डिस्प्ले साइज़ है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉनिटर है जो कि आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि आपको 13,199 में मिल रहा है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 15,000 के ऊपर मिलता था पहले, जो कि अभी आपको 13,199 में मिल रहा है। इसका भी दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का, जहाँ पर भी आपको सस्ता मिले वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि LG के मॉनिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे पैनल्स के साथ आते हैं, वैसे ही सैमसंग के पैनल्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, AMOLED वगैरह डिस्प्ले उन लोग का रहता है, तो इसकी वजह से उनके भी कलर एक्यूरेसी बहुत सही रहता है। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, और डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो भी सैमसंग की तरफ से मैंने चूज़ किया है, वो है 27 इंच का मॉनिटर, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और ये क्वाड HD डिस्प्ले के साथ आता है। इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 27 इंच का है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसमें भी आपको 2 HDMI पोर्ट आ रहे हैं, और इसमें जो रिस्पांस टाइम आपको मिल रहा है वो 4ms का रिस्पांस टाइम मिल रहा है, इसमें AMD FreeSync अवेलेबल है, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 23,390 में आपको मिल रहा है, जो कि विदाउट सेल अगर परचेस करोगे तो 25 प्लस प्राइस इसका था, पर अभी ये आपको 23,390 में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा डील है, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो पैनल है वो है एसर की तरफ से, एसर का नाइट्रो IPS पैनल है, ये 23 इंच का है, 23 इंच बोल सकते हैं, ये भी फुल HD डिस्प्ले आपको मिल रहा है, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इसमें जो पोर्ट्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका प्राइस जो है वो 13,999 का है, जो कि आपको 15,000 के आसपास मिलता था विदाउट सेल, पर अभी आपको ये 13,999 में मिल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा एक पैनल आपके लिए आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा जो पैनल है वो कर्व्ड पैनल है, ये जो है वो AOPEN की तरफ से है, ये AOPEN एक सब ब्रांड है या बोल सकते हैं आप एसर का, तो ये 24 इंच का पैनल है, ये भी आपको 12,299 में मिल रहा है, जो कि आपको 15,000 प्लस विदाउट सेल मिलता था। इस पर भी आपको कार्ड ऑफ़र वगैरह बहुत सारा है, EMI ऑफर्स वगैरह भी है, तो वो अगर लगाओगे तो और भी सस्ते में आपको ये मिलने वाला है। इसमें AMD का FreeSync आपको मिलेगा, ये फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है, एक HDMI पोर्ट मिल रहा है, इसका व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है, और इन लोग ने कहा है कि 4 मिली सेकेंड का इसका रिस्पांस टाइम मिलने वाला है। रिफ्रेश रेट इसका 144 हर्ट्ज का है, तो काफ़ी अच्छा पैनल है, आपको 12,299 में एसर की तरफ से मिल रहा है 24 इंच का पैनल। दूसरे पैनल की तरफ जाते हैं, दूसरा पैनल जो है वो ASUS की तरफ से है, टफ गेमिंग, और ये थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल है, ये आपको अच्छा खासा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाला है, और इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 1 मिली सेकेंड का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको NVIDIA का G-Sync जो होता है वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है।
है। ये 27 इंच का मॉनिटर है, इसका जो प्राइस लिखा हुआ है वो है 36,999, जो कि आपको 40,000+ का मिलता था विदाउट सेल, और सेल में आपको ये 36,999 में मिल रहा है। और अगर EMI और बाकी सारे बहुत सारे जो डिस्काउंट्स है HDFC बैंक के अगर इस पर लगाओगे तो और भी सस्ते में आपको ये मॉडल मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में यही सारे पैनल्स हैं जो कि सबसे बेस्ट है जो Amazon और Flipkart के डील में आपको मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको इसमें से कोई भी लेना है तो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है बजट कैटेगरी में वो ये वाला मॉडल है, खुद भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी मैं प्रॉपर रिव्यू लेके आऊँगा। हालांकि मैं इसको सितंबर में परचेस किया था तो ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करके हुआ नहीं है, तो जैसे इसका मैं प्रॉपरली यूज़ करूँगा इसका मैं फुल रिव्यू लेके आऊँगा, तो उसके लिए वेट करना। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके रख देना ताकि जैसे इसका रिव्यू आ जाएगा वो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी इसका मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो ज़रूर ये जो डील्स है वो मतलब ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और उनको बता सकते हो कि अगर आपको मॉनिटर लेना है ये सेल डेज में तो एक प्रॉपर एक वीडियो है, यहाँ से आप कोई भी मॉडल लो, मॉनिटर लो, ये एकदम हैंड पिक्ड मॉडल्स है जो मेरे को लग रहे हैं अच्छे खासे मॉडल्स है और डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि ये वीडियो देखो, इसमें से आपको जो भी पसंद है वो आप मॉनिटर परचेस कर सकते हो। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से परचेस करना, चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ़।